चिप्स के ऑफिस में ई टेंडरिंग घोटाले की जांच लगातार चल रही है, जिसके आज तीसरे दिन ईडब्ल्यू के आईजी कलूरी चिप्स के दफ्तर पहुंचे और अधिकारियों से पूछताछ कर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए। ईओडब्ल्यू के एसपी कल्याण एस सेला ने बताया कि ई टेंडरिंग घोटाले की जाँच चल रही है, इसलिए टीम आज भी चिप्स के दफ्तर में पहुंची है। अब तक के जांच में बहुत सारा डेटा रिकवरी करना जारी है। वहीं हैदराबाद और मुंबई से भी साइबर एक्सपर्ट्स बुला रहे हैं, क्योंकि बहुत से डिफिकल्ट डेटा है जिसके लिए साइबर एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सीएजी के रिपोर्ट्स के अनुसार चिप्स के 4 टेंडर हैं, जिसमें कुछ दस्तावेज डाउटफुल हैं। जैसे ही कुछ सुराग मिलेगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। अभी तक मिले दस्तावेजों के अनुसार पेमेंट रिलेटेड फाइल है जिसे जब्त किया गया है। वहीं बहुत सारा डेटा भी है, चिप्स यहाँ का नोडल ऑफिस है, जब्त फाइलों की स्क्रूटनी आने वाले दिनों में करेंगे। आज ईओडब्ल्यू के टीम ने चिप्स के सीईओ, ज्वाइंट सीईओ और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ किया। आईजी कलूरी भी वहां पहुंचे और जांच के दिशा निर्देश दिए। वहीं नान घोटाले में भी कई सारी फाइलें जब्त की गई। वहीं अब भी कई मिसिंग फाइलें हैं जिसकी जानकारी उपलब्ध कराने को कही गई है। चिप्स में जो ई टेंडरिंग स्कैम में जो घोटाला का जो जाँच चल रही है, इसके तहत आज ईओडब्ल्यू का टीम आई है। इसमें बहुत सारा डाटा रिकवरी जारी है अभी, और हम लोग हैदराबाद और मुंबई से भी कुछ साइबर एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं, जो कि क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा मात्रा में है और कई सारे टेक्निकल पॉइंट्स इसमें हैं, उसकी जांच के लिए हमें साइबर एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है। वो अभी चल रहा है। और दूसरा, अभी तो जांच फिलहाल चिप्स पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि चिप्स के भी 4 टेंडर है जिसमें सीएजी रिपोर्ट में कुछ डाउट्स एक्सप्रेस किए हैं। तो फिलहाल चिप्स पर जाँच चल रही है, और जैसे जैसे क्लूज मिलते हैं आगे बाकी 16 डिपार्टमेंट पर भी कार्रवाई होगी। सर, 3 दिन के अंदर ये कार्रवाई की गई, ये क्या क्या दस्तावेज जब्त किए गए और किन किन लोगों से पूछताछ आगे भी की जाएगी? इसमें कुछ पेमेंट रिलेटेड फाइल्स की जब्ती की गई है, और बहुत सारा डाटा है इसमें, क्योंकि चिप्स नोडल एजेंसी है, इनके पास सॉफ्ट कॉपी से ये सब डाटा फॉरेंसिक में भेजने के लिए हम जब्त कर रहे हैं। उसकी स्क्रूटनी अभी आने वाले दिनों में करेंगे। अभी तो फिलहाल हम सीईओ और जॉइंट सीईओ और कुछ कर्मचारी जो इन्वॉल्व है टेंडरिंग प्रोसेस में, इनसे पूछताछ की जा रही है प्रोसेस समझने के लिए, और कहां पर गलत हुआ है तो उसको समझने के लिए पूछताछ की जा रही है। नान में कई सारी फाइल्स हम कल भी जब्त किए हैं, क्योंकि मामला 2011 से 14 के बीच की बहुत लंबी अवधि का है, इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिसिंग भी है, उनका भी हमने उपलब्ध कराने का रिक्वेस्ट दिया है, और एमडी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 1-2 दिन में पूरी जानकारी हमको उपलब्ध कराया जाए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।